हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू बच्चे हैं उनका पेपर होने वाला है मार्च में, स्टार्टअप है उनका। तो जो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें कि हम पास हो जाएं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप तैयारी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं और उनको याद कर लीजिए, याद के आप रट लीजिए और आप फेल नहीं होंगे, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस होता है वो आपका लिमिटेड 5 यूनिट्स होती हैं और 5 यूनिट्स में आपको पता है लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक से लिमिटेड क्वेश्चंस ही बन पाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड क्वेश्चंस बन पाने का मतलब क्या है, वो क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं 1-2 साल में 3 साल में रिपीटेड होते ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस आप 30% क्वेश्चंस या 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पर ईयर रिपीट होते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से आप स्टडी करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उस केस में आप प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाइए और उनको सॉल्व कर डालिए। ठीक है, आपको 50% से अबव सिलेबस आपको मिलेगा जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं जो कि आपका 21 और 22 में पूछा गया था, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, एकेटीयू में, तो वो कौन सा क्वेश्चन पेपर था, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, शॉर्ट्स में क्या आए थे, लॉन्ग में क्या आए थे, वेरी शॉर्ट्स में क्या आए थे, आज एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं 2-3 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं मैं उनको उनके ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस सब्जेक्ट का होने वाला है, वो होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ते ही हैं, इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना, रटना और समझना ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन पेपर वो 3 आवर्स का होगा। ठीक है, टोटल 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपके 25 मार्क्स इंटरनल जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 15 नंबर सेशनल और 10 नंबर टीचर असिस्टेंट और वगैरह के जाते हैं। ठीक है, तो 25 में आपके मार्क्स हो जाते हैं, 75 में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो एक्सटर्नल होता है उसको देते हैं। तो आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, वो 20 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आने वाला है आपका 2-2 नंबर में, उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टमक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें जो है आपको डिस्क्राइब करना है रोल को किसके, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में वो पूछा गया है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका आपको रोल बताना है। ठीक है, 2 नंबर का आपको लिखना है, तो आप समझ लीजिए कितना आपको लिखना है मैटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्गी बॉडी होती है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, आपने सेल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल रोल है, जो फिजियोलॉजिकल रोल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, इतना कि आपका 2 नंबर के लिए सफिशियंट हो। 5 से 7 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा सफिशियंट है, इससे अब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिव द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल इन स्किन। ठीक है, लैंगरहैंस सेल्स जो होती हैं उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताना है जो कि स्किन में होती हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनलिस्ट द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी। जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में उसके नेम्स आपको जो है लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें है आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, फिर इसमें जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसको कौन सा ब्लड ग्रुप का होता है उसको आपको बताना है। आपको पता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको बता देना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है
आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अभी ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, ये रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है डिफरेंशिएट ब्लड कैपलरीज एंड लिम्फैटिक कैपलरीज। ठीक है, फिर डिफरेंस बताना है ब्लड कैपलरीज एंड लिम्फैटिक कैपलरीज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है डिफाइन सिस्टोलिक एंड डाइसेस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपको जब ब्लड प्रेशर पढ़ाया गया होगा तो उसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बारे में पूरा बताया गया होगा, प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने किया होगा तो आप वो लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंसिएट प्रेगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में डिफ्रेंसिएट करना है, मतलब जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं और जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। 1 से 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप जो भी लिख सकते हैं वो लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 9 नंबर का वो है आपका राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर। ठीक है, तो आपको जो है टिश्यू का नाम बताना है जो कि पेसमेकर है, आपको बताना है उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट्स में आता है 2 नंबर में, वो डिफाइन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसमें कार्डियक आउटपुट के बारे में एक्सप्लेन करना। और एक मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी पूछ सकता है, वो बहुत अंदर जाके पूछ सकता है, तो 2 नंबर वाले काफी ट्रिपिकल रहने वाले हैं क्वेश्चन। हो सकता है वो रिपीटेड हो सकता है वो रिपीटेड ना भी हो, जो लॉन्ग है वो रिपीटेड होंगे, लेकिन 1-3% चांसेस ये रहता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी हो सकता है रिपीटेड मिल जाए, अदरवाइज कहा नहीं जा सकता। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको जो है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने, 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2 क्वेश्चन क्या होंगे, 10-10 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे आपके वेरी शॉर्ट 20 नंबर के और ये 20 नंबर के। ठीक है, आपके टोटल 40 हो रहे हैं पहले। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 21-22 में वो कौन सा है देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस सेल विथ वेल लेबल डायग्राम एक्सप्लेन इन ऑर्गेनल्स इन डिटेल। ठीक है, इसमें डिस्कस करना है सेल को विथ वेल डायग्राम। ठीक है, वेल लेबल डायग्राम आपको सेल के बारे में बताना है, सेल का डायग्राम बनाना है, उसमें जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आप पहले क्या करेंगे, सेल की डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर में जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, सेल्स में वो आप बनाएंगे उसमें फिगर में, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करेंगे आप, तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 2 से 3 पेजेस का आपको लिखना ही लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल आप पढ़ के जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट होम्योस्टेसिस डिस्कस द वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कॉगुलेशन। ठीक है, आपको हेमाटोसिस के बारे में और जो है आपका वेरियस पाथवे जो है आपका ब्लड कॉगुलेशन का, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और ये टफ भी है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आए, लेकिन सेल आपका 99% उम्मीद है कि आएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 2 ही पुटअप करने, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 के 3 कर लें, उस केसेस में आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करना है जो भी स्ट्रक्चर वगैरह आपका है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेक्शन बी के क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी में आते हैं, तो इसमें 35 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको जो है 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें आज से आपको 5 करने रहेंगे। ठीक है, और ये आपके 7-7 नंबर के होंगे।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, क्लासिफाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्लासिफाई करना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फिर एक्सप्लेन करना है जो भी प्रोसेस है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका 1.5 से 2 पेज में ही रहने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम 2 पेज, अदरवाइज 1.5 से, मतलब मैक्सिमम 2.5 पेज और 2 पेज के बीच में ही रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आप डायग्राम की मदद से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। लिम्फ नोड को आपको स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्ड हार्ट विथ वेल लेवल डायग्राम रिलेटेड इलेक्ट्रो डायग्राम ECG विथ इट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है हार्ट, हार्ट को डिस्क्राइब भी करना है, फिर हार्ट का डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है, पूरा वेल लेवल डायग्राम बनाना है, फिर पर्टिकुलर एक एक एरिया को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हार्ट का फंक्शंस वगैरह भी लिख देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ये आई वाला जो है आपको इम्पोर्टेंट है और आ भी सकता है, ठीक है, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन की लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई ज्वाइंट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है, इसमें आपको जो है ज्वाइंट्स को क्लासीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, इसमें डिस्कस करना है किसका फिनोमिना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है उसका फिनोमिना आपको डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फिर सुन लीजिए, डायग्राम आपके HAP में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, नजर दौड़ा लीजिएगा, ताकि आप डायग्राम भी अगर आप बना दे रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका पूरा था वो कौन सा था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि 21-22 में पूछा गया था। उसके बाद में जो आपका 20-21 में पूछा गया था उसका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप शॉर्ट टाइम में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा, उसमें नो डाउट, ठीक है।